नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 कप गेहूं के आटे से इतना सुंदर नमकीन बनाने की रेसिपी कि फ्रेंड्स, आप यदि वीडियो देख लेंगे तो आपके घर में जब भी इस तरीके का नमकीन ख़त्म होगा, आप इसे हर बार बनाना चाहेंगे। एक तो ये गेहूं के आटे से बनेगा फ्रेंड्स, और घर में पड़े कुछ सामानों से। इसमें और कुछ भी तामझाम नहीं करना है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसका नमकीन हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले गेहूँ के आटे को छान लेना है। तो चलिए सारे आटे को छान के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि हमारा बनाया हुआ रेसिपी आपको पसंद आए, ये मैं नहीं कहती हूँ कि झटपट से सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, पहले आप हमारे वीडियो को देखें, आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ज़्यादातर इस टाइप की नमकीन, पापड़, चिप्स, मठरी, तरह तरह की बड़ी, यही सब रेसिपी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप एक बार बना के साल दो साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गेहूं का सेव नमकीन यदि आप बनाना चाहते हैं गेहूं के आटे का, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर देखें। आटा छानने के बाद इसमें डाली हूँ 1/2 कप सूजी, रवा। बहुत कोई सूजी के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स रवा सेमोलिना अब आप समझ गए होंगे। इसमें डाली हूँ 1/2 कप। अब क्या करना है, हमें आटा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमें डाल लेना है नमक। तो फ्रेंड्स, अभी आटा में नमक डालने से क्या होता है कि पता चल जाएगा आपको इसमें कितना नमक डालेंगे तो सही मात्रा इसका आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डाली हूँ 1 चम्मच नमक, और नमक को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटा और सूजी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर एक खाली बर्तन आपको ले लेना है, कोई भी। अब इसमें हमें डालना है, देखिए फ्रेंड्स, ये डाल रही हूँ अजवाइन, और अजवाइन, जीरा, इसमें जो कुछ भी मसाला डाल के दिखा रही हूँ, ये है 1/2 चम्मच के करीब जीरा। तो आप इसमें अपने मनपसंद से मसाला ऐड कर लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ, जैसे कि बहुत कोई अजवाइन नहीं खाते हैं तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाली हूँ, और ये चिली फ्लेक्स है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, नमकीन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसके लिए लाल मिर्ची का पाउडर तीखा वाला ही है, लेकिन थोड़ा कम डाली हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ। दोनों मिक्स होके इसमें अच्छा सा हल्का फल्का तीखापन आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये है देखिए रिफाइंड तेल 1 छोटा कप, यानी चाय वाला कप से 1 कप, उससे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि ये बहुत छोटा है कप, तो चाय वाला कप से 1/2 कप ऐसे मान के चलिए। अब क्या करना है कि सारे मसाले को हमें रिफाइंड तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी खाने वाला बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालना है, यानी 2 पिंच। 2 कप आटा के मेजरिंग मैं दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से ज़्यादा बनाएंगे, 4 कप का बनाएंगे तो आप सारे सामान को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अब अच्छे से इसमें हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब ये सफ़ेद तिल 1 चम्मच डाली हूँ भर के। आपके पास है सफ़ेद तिल तो आप ज़रूर डालें, नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब हमारा जो ये तेल है अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे 2 मिनट तक छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब ले ली हूँ आटा को और तेल को रेस्ट किए हुए, 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के तेल को और आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे तेल को इसमें डाल ही देती हूँ, क्योंकि जितना इसमें लगेगा सामग्री उतना ही इसमें डाली हूँ, तो ना ही ज़्यादा होने का संभावना है ना ही कम होने का संभावना है, तो सारे इसमें डाल देती हूँ। अब अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है आटा के साथ, जिससे कि सारा मसाला, तेल, नमक, सारे चीज़ अच्छे से आटा में मिक्स हो जाए और हमारा जो नमकीन बनेगा एकदम खास्ता बनेगा, कुरकुरा बनेगा और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, जब आप बनाएंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या स्वाद है। इस टाइप से आप नमकीन एक बार बना के देखें, सारे पुराने तरीके आप भूल जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा हल्का सा जब बांधेंगे तो ये मुट्ठी में अच्छे से बंध जाएगा। इस टाइप से आपको इसे तैयार करना। अब क्या करना है, इसमें हल्का हल्का सा हमें पानी देते जाना है और इसका
जैसे पूरी हम लोग बनाते हैं थोड़ा कड़ा ही, ज़्यादा लूज नहीं, इसका हमें डो लगा लेना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ा है, थोड़ा पानी जाएगा तभी तो सूजी फूल के अच्छे से तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप पापड़ बनाने के शौकीन हैं, बेसन के पापड़, चने दाल के पापड़, मूंग दाल के पापड़, उड़द दाल के पापड़, यदि आप बिना आटा गूंथे बिना बेले हुए पापड़ बनाने का रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे ढक के 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ, 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट यहाँ हो चुका है, अब इसे हटा लेती हूँ ढक्कन को। देखिए अब इसमें जो सूजी पड़ा था, सूजी बहुत अच्छे से फूल चुका है, आटा भी सेट हो चुका है, मसाला का फ्लेवर भी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक बार इसे वापस से मसल लीजिए हल्के हाथों से। फ्रेंड्स, आपको सन ड्राइड केले की चिप्स बनाना है, जिसे एक बार बना के आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दूंगी। और बिना मशीन बिना साँचे का यदि आप गेहूं के आटे का सेव नमकीन बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमसे वीडियो का लिंक ले सकते हैं, आपको चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब इसमें से थोड़ा सा लोई हमें ले लेना है, यानी कि जितना बड़ा रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लोई ली हूँ। आप इसका जितना बड़ा रोटी बेल सकते हैं उतना बड़ा आप लोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, जिससे ये चिपकेगा नहीं। जब आप इसका रोटी बेलेंगे तो इसमें ना ही आपको आटा लगाने का ज़रूरत पड़ेगा ना ही मैदा, बस थोड़ा हल्का सा तेल लगा ले और ये आराम से एकदम बेचारा बिल जाता है, एकदम चिपकेगा नहीं, कहीं से भी नहीं चिपकेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर रोटी के जितना हम इसे मोटा बेले हैं, बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है। अब कुछ इस तरीके से इसमें हल्का हल्का सा इस तरीके से फोक्स से कर दीजिए छोटा छोटा होल, जिससे ये फूलेगा नहीं। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा खास्ता बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताती हूँ। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर या चाकू, आप किसी से भी इसका कटिंग कर सकते हैं। अब पतला पतला हमें इस तरीके से स्ट्रिप इसका निकाल लेना है, थोड़ा पतला पतला ही रखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पतला पतला इसे कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे पूरा लंबाई में रहने दें और चाहिए तो इस तरीके से बीच से एक बार, बस एक बार ही करना है और लंबा लंबा एकदम पतला पतला हमें नमकीन को रखना है। और इस तरीके से आज से पहले आपने शायद ही बनाया होगा, बहुत कोई बनाते हैं लेकिन उसे तिरछा कट करते हैं या छोटा छोटा कट करते हैं। एक बार आप इस तरीके से बना के देखें फ्रेंड्स, और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो एकदम सीधा सीधा ही रहेगा। ये मत समझिए कि फ्राई होने के बाद ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा। तो चलिए सारे को इसी तरीके से पहले बेल लेती हूँ, बेल के कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इतना नमकीन यहाँ है और दूसरे बर्तन में रखी हुई हूँ, और देखिए कितना अच्छा लंबा लंबा सा बनाई हूँ, और मात्र 2 कप आटा से ही बनाई हूँ, एक बड़े डब्बे से भर के एक डब्बा हुआ था। नमकीन को फ्राई करने के लिए तेल को चढ़ा दी थी चूल्हे पर, अब इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल के चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसे मीडियम गरम हमें तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं गरम नहीं करना है, और गैस की आँच को भी आपको मीडियम ही रखना है और इसे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं कीजिए, नहीं तो इसका नमकीन का कलर चेंज हो जाएगा और अंदर तक ये पकेगा नहीं। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा पतला बेला हुआ है रोटी के इतना, तो ये आसानी से पकेगा, इसके लिए आप गैस की आंच को मीडियम रखिएगा फ्रेंड्स। एक बार में जितना आ जाता है उतना आप इसमें डाल दें, और यदि आप बेल के रख रहे हैं काट के और वो थोड़ा सा चिपका चिपका टाइप का आपको लग रहा है कि एक दूसरे में चिपक गया है, तो कोई टेंशन नहीं, आप चिपका हुआ ही तेल के अंदर डाल दें, अपने आप अलग अलग हो जाता है। तो अच्छा लगा वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, आपका प्यार कितना है हमारे प्रति वो हमें मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, शेयर भी किया करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरीके की रेसिपी आपको देखना है आगे भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर रोज़ 2 रेसिपी की वीडियो डालती हूँ, जिसमें गेहूं के आटे की बिस्किट का भी रेसिपी मिलेगा फ्रेंड्स, बेसन का बिस्किट भी बना के डाली हूँ, जिस वीडियो को हमारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आप नए हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको हर तरह के पापड़ की रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए तेल से थोड़ा ऊपर करके इसे ठंडा कर लें,
नमकीन को वापस से फिर से तेल में छोड़े, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ठंडा करके इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा देर पर आप इसमें तेल में डालें। इसका डीप गुलाबी कलर आने तक हमें फ्राई करना है। एक बार का फ्राई करने में आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। जब तेल हल्का सा शांत शांत सा हो जाए तो इसे निकाल लीजिए, कलर आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा कलर इस पे आ गया है। अब इस तरीके से किसी भी जाली वाला बर्तन में आप इसे निकाल लें, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल जो है निकल जाएगा। और इसी तरीके से हमें सारे नमकीन को बना लेना है। देखिए कितना सीधा सीधा बना है, एक भी नमकीन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार में इतना सारा डाल दी हूँ। अब सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बनने के बाद कि कितना नमकीन हमारा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नमकीन सारे फ्राई होके हमारा तैयार हो चुका है। और देखिए, एक डब्बा भर के बना था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खाने में एकदम टेस्टी। बच्चे बड़े सभी को इसे पसंद करेंगे। आप इसे चाय के साथ ज़रूर एक बार खा के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चाय का स्वाद दोगुना हो जाएगा, मेहमान को भी बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितना खासता है, ज़रा सा टच कीजिए ये टूट जाता है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बना के आपका भी मन खुश हो जाएगा। और इसमें ना ही कोई ज़्यादा तामझाम है, ना ही ज़्यादा खर्चा है, झटपट से बनने वाला रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।